आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की जयंती है। देश भर में लोग इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को याद करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी अपने सभी दायित्व को निष्ठा से निभाया। उन्होंने देश में उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। आज के दिन हम उनके कृतित्व को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए बांग्लादेश को अलग कर दिया। धनोपिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज इंदिरा गांधी जी का जयंती है, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता इंदिरा जी के जन्मोत्सव को जयंती के रूप में मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इंदिरा जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आज निश्चित रूप से एक खुशी का वातावरण है। हमारे देश की वो नेत्री जिसने अपने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर किया, उन्होंने अपने रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को सुरक्षित सिखाया, बांग्लादेश बनवाया और उनके जो कड़ा अनुशासन उनके कार्यकाल में होता था वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज भी हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उसका अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर सरकार बनेगी कांग्रेस की और आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।